डोर टू डोर कूड़ा उठाने वाली 5 प्राइवेट कंपनियां स्पार्क ग्लोबल, SRMT वेस्ट मैनेजमेंट, अरवा एसोसिएट, ओम मोटर्स कनेक्शन, सेवा वेलफेयर सोसाइटी द्वारा करोड़ों का घपला कर भाग जाने के बाद सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह व फंड का पैसा न देकर भाग जाने के साथ ही काफी अरसे से सफाई कर्मचारी अपनी तनख्वाह के लिए भटक रहे हैं, जिस कारण आज राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ के कार्यकर्ताओं ने सफाई कर्मचारियों को उनके हक का पैसा उनको दिलवाने के लिए अपर नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। दरअसल राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ यहां पर अपना ज्ञापन देने के लिए आया था। बड़े साहब मौजूद नहीं थे, अपर नगर आयुक्त मौजूद थे। हमने उनको ज्ञापन दिया, ज्ञापन उन्होंने लिया, फोटो कॉपी भी हुई। उसके बाद फिर वार्ता के लिए जब बैठे तो हम पूरे सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से बैठे हुए थे, तो वार्ता के दौरान जो है उन्होंने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि इतने कर्मचारी क्यों ले आए, इतने लोगों को क्यों ले आए। उसमें एक कर्मचारी ने, एक हमारे साथी ने ये कहा कि आप जो है इतनी ज़ोर ज़ोर से क्यों बोल रहे हैं, तो उसके लिए उन्होंने लाठी उठा ली और गाली दी, जिसकी वजह से हम सारे लोग जो है उनसे नाराज हुए कि एक आप अधिकारी होकर और इस तरीके का बर्ताव। पहली बात तो यहाँ ऑफिस में लाठी रखने का मतलब क्या है, क्यों लाठी रखे हुए हैं यहाँ? इसका मतलब ये है कि ये अधिकारी जो है हर समय तनाव में रहता है, और प्रतिनिधि मंडल से किस तरीके से बात की जानी चाहिए वो सभ्यता उनमें नज़र नहीं आ रही थी। बाद में जो है उन्होंने हमसे पहले भी विवादित रहे और आज तो प्रत्यक्ष रूप से रहे हैं, तो उसका हमने सख्त विरोध करा है। हमने ऑफिस से हटे, उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड बुला लिया, किसको सबको बुला लिया, और जो उनके शुभचिंतक थे उनको भी बुला लिया, लेकिन हम वहाँ से हटे नहीं कि बुलाओ गिरफ्तारी करो, लेकिन तुमने अभद्र भाषा का इस्तेमाल करा, लाठी क्यों उठाई, गाली क्यों दी किसी प्रतिनिधिमंडल से इस तरीके से, कोई हम DM से भी मिले। बाद में फिर हम सब लोग निकल आए, काफ़ी कहासुनी होने के बाद दोबारा फिर उन्होंने बुलाया, और दोबारा बुलाकर एक शांतिपूर्वक तरीके से उन्होंने बातचीत करी। कहने लगे कि हमने जो है चेहरे नहीं पहचाने थे कि आप लोग हैं, तो अब मैंने चेहरे पहचान लिए और मैं माफ़ी मांगता हूं कि कोई गलती हो गई। वो दूसरा आदमी भी ज़रा तनाव में बात कर रहा था, तो इसलिए मैं बर्दाश्त नहीं कर सका। तो काफ़ी देर तक बातचीत हुई और उन्होंने अंत में माफ़ी मांगी। और ठीक अध्यक्ष हूँ, और आज हम अपर साहब से मिलने आए थे और उनको एक ज्ञापन भी सौंपा है, जो कि कंपनियों के विषय में पूछताछ की गई साहब से, और साहब ने अभी लिखित लेख जोखे में हमें कोई जवाब नहीं दिया चीज़ का, और उस विषय में थोड़ी कहासुनी हुई साहब से, साहब ने पहचाना नहीं, ना पहचानने के उपयोग में साहब ने दोबारा हमें बुलाया, उसके बाद उन्होंने अपनी जो गलती थी वो गलती ही मानी। और बस मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे वाल्मीकि समाज का जो शोषण हो रहा है वो ना होकर के, और समाज को कुछ ऐसी एक दिशा मिले और हमारे संगठन से दिशा मिले, जो कि समाज को अपना अधिकार और हक की लड़ाई में हम सबसे आगे काम करें और अपने समाज को न्याय दिला सकें। पिछले वर्ष 2019 मई में 5 कंपनियां, एक जो कि स्पार्क ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 26 जोन के 29 वार्ड, और SRMT बेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रोमंडी जोन के 17 वार्ड, और अरवा एसोसिएट प्राइवेट कंपनी ताजगढ़ जोन के 16 वार्ड, और ओम मोटर्स कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड को अलवर जोन के 22 वार्ड, सेवा वेलफेयर सोसाइटी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को सागंज के 16 वार्ड की जिम्मेदारी दी थी। इन कर्मचारियों ने काम करवाया हमारे कर्मचारियों से, और बाद में ये भिन्न वेतन दिए, 3-3 महीने का वेतन दिए हमारे कर्मचारियों को लेकर भाग गए, और अभी तक हमारे कर्मचारी बेचारे लगातार चक्कर लगा रहे हैं, 750 कर्मचारी, लेकिन उनका कोई भी वेतन का भुगतान नहीं पाया। आज इसी मांग को लेकर राष्ट्रीय सफाई मजदूर संघ रजिस्टर 1579, आज मैं प्रमुख महामंत्री राकेश चौधरी वाल्मीकि, भाई सूरज पहलवान हमारे उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हमारे रामजल विद्यार्थी जी आज, और हमारे सारे लोग हमारे संगठन के ये ज्ञापन देने आए थे, और माननीय अपर नायक ने कहा है कि हम इस पर दिखवाते हैं, हमने उनको ब्लैकलिस्ट कर दिया है और उनके खिलाफ ने FIR करवा दी। हमने ये कहा अगर तुमने FIR करवा दी है तो सिक्योरिटी उनकी जमा है, सिक्योरिटी में से उनके तनख्वाह क्यों नहीं दी जा रही है, इसके इस बात को लेकर वो निरुत्तर हो गए और वो चुप हो गए। अभी आपके साथ गाड़ी गलौज भी अपर नायक से बात की गई है, क्या ऐसा था? हमारा एक कर्मचारी जो कि एक अपनी थोड़ी तेज आवाज में बात कर रहा था, तो उन्होंने डंडा निकाल लिया और उन्होंने अभद्रता की, तो इस पर हमारे सब लोग भड़क गए। बाद में उन्होंने हमारे वरिष्ठ उपाध्याय रामजल विद्यार्थी जी और सूरज पहलवान जी मुझे बुलाया, बाद में उन्होंने माफ़ी मांगी, और उन्होंने माफ़ी मांगी तो हमने भी कह दिया आप अन्यथा ऐसा ना करें,
तो हमारा और आपका वार्ता बिल्कुल सही ऐसे चलती रही। उन्होंने कहा मैं अंधा हम कभी ऐसा नहीं करेंगे, उन्होंने ये कहा। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए देखें हमारा यूट्यूब चैनल, करें लाइक शेयर सब्सक्राइब।